अब तमोगुणी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनकी पहचान क्या, भगवान करे तमोगुणी न बनाए, जो तमोगुणी प्रवृत्ति के लोग हैं जिनमें तमोगुण की प्रधानता होती है, वह मनुष्य सबसे पहला उनका चिन्ह है वो आलसी होते हैं। जो काम धाम नहीं करेंगे वो क्रोधी होंगे, आलसी होंगे, काम करने का मन ही नहीं होगा, वो आलसी होंगे, तमोगुणी। जो लोग बहुत कम बोलते हैं और जब बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं सांप जैसी फुंकार, ऐसे लोगों को गुड़ीला आदमी कहते हैं। बोलेगा नहीं तब तक नहीं बोलेगा, और जब बोलेगा तो विष उगलेगा बिल्कुल, और मुंह फूल जाएगा, नाक सूज जाएगी बिल्कुल, और इतना भवक बोलेगा, उसे गुड़ीला बोलते हैं। तमोगुणी व्यक्ति की यह पहचान है वह प्रमादी है, आलसी है, अज्ञान ग्रस्त है, उसे नींद और आराम बहुत प्रिय लगता है, बाप की कमाई पर राज्य करना चाहता है, वो कमाऊ नहीं होता, तमोगुणी। पापा का मिल जाए, माता पिता का जो मिल गया है वह उसको बड़ा प्रिय लगता है, उसको नींद बहुत प्यारी लगती है, उसको आराम बहुत प्रिय लगता है। ऐसे लोगों को यदि जगाया जाए तो वह लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तमोगुणी प्रवृत्ति के लोग हैं ये, इनके अंदर तमोगुण बहुत ज़्यादा है। उनका जीवन ज्ञान से शून्य होता हुआ भी अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, उनके पास ज्ञान तो होता ही नहीं, उनका तो फूटा मटका है, और फूटे मटके में पानी कहाँ टिके। अज्ञान में ही वो अपने आप की मस्ती समझ रहे हैं। तमोगुण की स्थिति में व्यक्ति आलसी, प्रमादी, ना कुछ करने वाला, क्रोध करने वाला व्यक्ति होता है, दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, उसमें सुनवाई नहीं होती, कोई अच्छी बात भी बोल रहा है तो इसको वाण की तरह लगती है। और तमोगुणी व्यक्ति तो विनाशकालीन बिल्कुल विनाश की तरफ ही खड़ा रहता है, क्योंकि जो तमोगुणी व्यक्ति है उसके पास किए गए पुण्यों का, सत्कर्मों का पुण्य टिकता नहीं है। जो तमोगुणी प्रवृत्ति के लोग हैं, पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे, क्रोध करने वाला व्यक्ति एक बार क्रोध करता है तो 90 दिन की तपस्या समाप्त कर लेता है, उसके पास कुछ टिकता ही नहीं है। इसलिए भले लोगों को तो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, आलस्य ना करे, प्रमाद ना करे, क्रोध ना करे, झगड़ा ना करे, उसके लिए ये बोला गया है, नहीं तो वह ज्ञान से शून्य हो जाएगा, अज्ञान उसको चौतरफा से घेर लेगा और उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। कहा गया है कि कलकाल में ऐसे ही लोग ज्यादा मिलेंगे। तमोगुण व्यक्ति झूठ बोलने वाला होगा, जिसका ले लेगा उसको देगा नहीं, क्रोधी स्वभाव का होगा, माता पिता को भी बिना अपमान किए मानेगा नहीं। वो रामायण में एक चौपाई आती है कलयुग के लोगों के लिए, झूठ लेना झूठ देना, झूठ लेना झूठ देना, झूठ भोज झूठ चवेना, माइक खोलो, झूठ लेना झूठ देना, झूठ भोज जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय, आँख की आनंद की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।